हेलो दोस्तों, मैं रंजीत कुमार स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस एजुकेट में। दोस्त, आज के हम इस वीडियो में कल के आगे की चीजें देखेंगे, यानी कि वीडियो नंबर 4 है। कैलकुलस हमारा जैसा कि सीरीज स्टार्ट हुआ है और मैंने आपसे बताया है कि बेसिक टू एडवांस हम लोग सीरीज में देखेंगे और आप लोग बने रहिएगा एकदम लास्ट से तक, क्योंकि मैं लास्ट में आपको कल बोला था कि त्रिकोणमितीय सीखेंगे, त्रिकोणमितीय का अवकलन निकालना सीखेंगे। तो आज के विश वीडियो में सीखेंगे, उससे पहले कुछ एक इम्पोर्टेंट एक ट्रिक बताऊंगा, उसको देखिएगा, फिर मैं हम सीखेंगे त्रिकोणमितीय अवकलन, इसलिए जाना माना है। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्त, आपको मैं बता दूं, अगर मान लीजिए क्वेश्चन मिल गया वाई बराबर एक्स के पावर माइनस 9, तो इसको कैसे बनाएंगे? तो आंसर है, बनाने की इसकी 2 विधि है। तो पहले मैं सिंपल मेथड से बनाता हूँ और फिर मैं ट्रिक दूंगा, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन रहा दोस्त, इफ वाई इज इक्वल टू एक्स के पावर माइनस 9, देन डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू व्हाट? ये रहा दोस्त आपका क्वेश्चन। फाइनली सुनिएगा, क्वेश्चन हमारा ये रहा कि y बराबर x टू दी पावर माइनस 9, देन dy बाई dx इज इक्वल टू व्हाट? तो इसके बनाने के 2 विधि है, एक मैं ट्रिक बताऊंगा और एक ऐसे ही बता रहा हूं। तो आइए इसका देखिए सॉल्यूशन। तो फर्स्टली हम क्या करेंगे कि जितना दिया है उतना तो लिख लेंगे, एंड सेकंड काम हमारा ये रहेगा, लिखेंगे डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ये लिख लेंगे, यहां तो कोई डाउट नहीं है। अब आप क्या करिएगा, तो dy बाई dx कर लेंगे, सिंपल। अब आपको फॉर्मूला पता है, पावर में जो n होता है वो यहां पर आ जाता है पहले, तो माइनस में आ गया, फिर x लिखा जाता है ना, फिर माइनस 9, और फिर क्या होता है, बहुत अच्छा, n माइनस 1 होता है कि नहीं होता है? अरे फॉर्मूला पता है ना, y बराबर x पावर n, इसलिए dy बाई dx बराबर n x n माइनस 1, हमने पढ़ाया है ना आपको, पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया है? अगर नहीं पढ़े हैं तो मैं वीडियो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं नीचे दे दूंगा, आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। चलिए आइए आगे बात कर लेते हैं। तो ऐसे में माइनस 9x माइनस माइनस प्लस, यानी कि माइनस हो जाएगा 10, माइनस माइनस प्लस मतलब माइनस 10। अच्छा, कल एक और फॉर्मूला बताया था, ए पावर माइनस एम बराबर 1 बाई ए पावर एम, कल बताए थे कि नहीं बताए थे? तो आंसर यस सर बताया था, बहुत अच्छी बात है। तो ये रहा हमारा डी वाई बाई डी एक्स, इसलिए फाइनल लाइन रहा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 9 ऊपर, और ये वाला इस रूल के हिसाब से आ जाएगा नीचे, यानी ये रहा हमारा फाइनल जवाब। इसमें कोई डाउट है, इतना सा भी डाउट होगा कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है? तो चलिए इसको कॉपी करिए, अब हम कुछ और नया सीखते हैं, फिर एक और एग्जांपल सीखेंगे, फिर ट्रिक सीखेंगे, ठीक है? फटाफट इसको कॉपी कर लीजिए और एक क्वेश्चन करते हैं, फिर ट्रिक सीखेंगे, है ना? तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने लिखा y इज इक्वल टू x के पावर माइनस 7, देन dy by dx इज इक्वल टू व्हाट, ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल एक वर्ड, सबसे पहला दो सॉल्यूशन, और हम लिखेंगे इधर सबसे पहला y बराबर x टू दी पावर माइनस 7, और फिर लिखेंगे डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो x के सापेक्ष y के अवकलन को कैसे डिनोट करते हैं? तो आंसर है सर, dy by dx से डिनोट करते हैं, ओके? उसके बाद ये वाला आ जाता है नीचे, क्योंकि बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, ये फॉर्मूला dy by dx होता है क्या, n x n माइनस 1, और जिनको ये समझ नहीं आता है वो पीछे वाले वीडियो को देखेंगे, उनका डिस्क्रिप्शन में मैं नीचे दे दूंगा। तो उस वाले रूल के हिसाब से ये n यहाँ पर आ जाता है, तो ये n यहाँ पर आ जाएगा, ये n यहाँ आ जाएगा। अच्छा, x लिखना है, x लिख दिया, फिर माइनस 7, n मतलब माइनस 7 है, माइनस 1, ओके, माइनस 7x माइनस माइनस प्लस, और अभी अभी फिर से एक बार सूत्र बताया, ये वाला फॉर्मूला है ना, छोटी क्लास में अपने पढ़ा है। तो उस वाले हिसाब से हमारा dy by dx हो जाएगा माइनस 7x के पावर 8। अब देखिएगा, यहां से मैं गजब का ट्रिक बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा, मैं यहीं पर ट्रिक बता देता हूं, सुनिएगा दोस्त ट्रिक क्या है, इसको अच्छा से ऑब्जर्व कीजिएगा। यहां पर आप ये देख रहे हैं कि जो पावर में है वो ऊपर हो जाता है और नीचे हर बार एक बढ़ जा रहा है। पीछे वाला क्वेश्चन में देखे 9 था, नीचे कितना हो गया 10। इसका ट्रिक क्या रहेगा? तो ट्रिक ये रहेगा, मैं आपको बता दूं दोस्त, थोड़ा सा इसको रफ कर देता हूं, फिर ट्रिक क्या रहेगा सुनिएगा ध्यान से। तो ये लिख लीजिएगा ट्रिक,
इसलिए बोलता हूँ इस चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर ट्रिक फाउंडेशन वगैरह वगैरह सब कुछ मिलता है। इसलिए चैनल को कर लो सब्सक्राइब और जितने भी दोस्त है उसके पास कर दो शेयर और वीडियो कर दो लाइक, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं ट्रिक क्या रहेगा दोस्त, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है ये हमारा ट्रिक रहेगा। इफ y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स के पावर n, या फिर इसी को बोल सकते x के पावर माइनस n, तो देन लिख देते हैं दोस्त, देन इंग्लिश मीडियम वाले के लिए देन dy by dx इज इक्वल टू माइनस n, ऊपर जैसे है वैसे उतार देंगे एज इट इज, और n प्लस 1, यानी नीचे ध्यान सुनिएगा x में n प्लस 1 यानी पावर में 1 ऐड कर देंगे। तो ये अपने कॉपी पर फटाफट उतार लीजिए। अब इसका हम कुछ उदाहरण सीखते हैं फिर से। इफ y इज इक्वल टू 1 बाय x टू दी पावर n, या फिर इक्वल टू x टू दी पावर माइनस n, देन dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस n बाय x टू दी पावर n प्लस 1। समझ आया? अब देखिए दो क्वेश्चन जो मैंने बताया ना उसी क्वेश्चन को मैं रखूंगा और उसको ट्रिक वाइज बताएंगे और उसका आंसर इसका आंसर सेम बात आएगा, ऐसा नहीं कि चेंज हो जाएगा। तो चलिए y बराबर अगर हमने लिया माइनस 9, थोड़ी देर पहले माइनस 9 लिया था ना, देन dy बाय dx इज इक्वल टू व्हाट, तो ये रहा मान लीजिए क्वेश्चन। तो जो हमने पहले वाले मेथड से बताया था तो आंसर आया था, समझ रहे हो ना? तो देखना आंसर चेंज नहीं होगा, देखिएगा तो ध्यान से। मैं डायरेक्ट लिखता हूं dy बाय dx, ट्रिक से एक नंबरिया वन नंबरिया के लिए ट्रिक ही ना अपनाएंगे, उतना लंबा का है काम करेंगे, ट्रिक अपना नंबर पाओ क्या है ना। तो देखिएगा n ऊपर रख देना है, तो यानी n ऊपर रख दिया, अब माइनस लगा देना, माइनस लगा दिया, कोई दिक्कत है, कोई डाउट है? नहीं है। अच्छा x लिखना है पावर में 9, एक मिनट दोस्त वेट करिए ध्यान से, मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, यहाँ पर प्लस तो दिखाई दे ही रहा है, उसके बाद जो मैं बताने वाला हूँ ध्यान से सुनिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा n, n कितना है दोस्त 9 है, 9 में एक जोड़ेंगे 10, हो गया आंसर, 9 में एक जोड़ेंगे 10, हो गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं। और एक उदाहरण y इज इक्वल टू एक्स के पावर माइनस 7, देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू व्हाट, सिंपल रहा जवाब ट्रिक से, dy by dx is equal to minus 7 by x to the power 8, क्यों? क्योंकि 7 में एक क्या कर देना है, जोड़ देना है और प्लस साइन के साथ लिखना है। इट इज क्लियर? ओके, इसको आप अच्छे से कर लीजिए नोट। अब हम कुछ आगे बढ़ते हैं और आगे की कुछ बातें सीखते हैं। ओके दोस्त, अब हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं त्रिकोणमितीय सूत्र का अवकलन। तो आपको मैं बता दूं दोस्त, यहाँ से जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से अब क्लास में थोड़ा सा एडवांस लेवल की बातें अब हम बताएंगे। और मैं पहले तो सूत्र लिख देता हूँ और इस सूत्र की सहायता से हम बहुत सारा क्वेश्चन सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तैयार है ना? बहुत अच्छा, लिख लीजिए दोस्त। पहले नंबर तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, पहले ऐसे कर लीजिए ना, डेरिवेटिव ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ये कर लिया जाए, स्टार देकर हेलाइंस कॉपी पर बना लीजिए, क्योंकि स्टार बनना है, स्टार तो देना पड़ेगा। डेरिवेटिव ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, तो आइए अब हम बताते हैं इसका कुछ फॉर्मूला। दोस्त फॉर्मूला याद रखिएगा लाइफ में एक बात, y इज इक्वल टू अगर साइन x दिया, y इज इक्वल टू साइन x, देन dy बाय dx इज इक्वल टू होता है cos x। इस बात का मतलब ये हुआ कि साइन x का अवकलन दैट इज, ऐसे करके लिखेंगे दैट इज d साइन x बाय dx इज इक्वल टू होता है cos x। मुख्य रूप से आपको ये याद रखना है, मुख्य रूप से आपको वो वाला याद रखना है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, सुनिएगा, एक इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर आपको कहीं भी y इज इक्वल टू साइन x लिखा हुआ मिला, देन dy बाय dx cos x होगा। दैट मींस कि साइन x का डेरिवेटिव cos x होता है। इस बात का मतलब ये हुआ y की जगह पर क्या रखना है, साइन x रखना है, तो मैंने साइन एक्स रख दिया, तो ऐसे में डी साइन एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू होता है कॉस एक्स। दैट मीन्स
कि साइन एक्स का अवकलन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है, कॉस एक्स होता है। ये बात याद रखिएगा, समझ आ गई? कोई दिक्कत है, कोई डाउट है? नहीं है तो चलिए दोस्त आगे फॉर्मूला बनाते हैं। याद रखिएगा, यदि y इज इक्वल टू कॉस एक्स दिखाई दिया देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू होता है माइनस साइन एक्स। मैं तुरंत ट्रिक दूंगा, याद करने का अचूक मंत्र दूंगा, जाइएगा पछताइएगा, जा करके देख लीजिए, कहीं पर ऐसा नहीं मिलेगा, इतना याद रखिएगा। चलिए, इस बात का मतलब ये होता है कि d cos x by dx इक्वल है माइनस साइन x के। किसके इक्वल है सर? माइनस साइन x के। चलिए दोस्त आगे बढ़ लेते हैं। अगर मान लीजिए आपको मिल गया y इज इक्वल टू tan x, देन dy by dx इज इक्वल टू, याद रखिएगा, sec square x होता है। इस बात का मतलब ये हुआ dy, y के जगह पर क्या रखना है? tan रखना है। तो मैंने tan सब्स्टिट्यूट कर दिया और यहाँ पर by dx, और tan x का क्या होता है? sec square x, यानी मुख्य रूप से आपको यही याद रखना है। क्या याद रखना है? tan x का अवकलन sec square x होता है। इट इज क्लियर? नाउ आगे हम बढ़ते हैं। लेट अस स्टार्ट, एंजॉय, दम एंजॉय करना, लेट अस एंजॉय मैथमेटिक्स, आइए एंजॉय करके पढ़ा जाए, बहुत इजी है, बहुत इजी। आगे बढ़ते हैं। y इज इक्वल टू, अब हम बात कर लेते हैं cot x, उल्टा आप चलते हैं क्योंकि तीनों के ना उल्टा ही ना होता है। cot x देन dy by dx इज इक्वल टू माइनस cos x स्क्वायर x, क्या होता है? माइनस cos x स्क्वायर x, दैट मींस कि d cot x by dx is equal to, बोल दीजिए, हाँ पीला शर्ट, बहुत अच्छा, माइनस cos x square x। इस यानी कि आपको मुख्य रूप से ये याद रखना है, क्या याद रखना है? cot x का क्या होता है? माइनस cos x square x। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए, नहीं है आगे बढ़ते हैं। ओके, अब सुनिएगा ध्यान से, इसको मैं रफ करता हूँ और ऊपर सुनिएगा दोस्त, और दो बच गया, आप ये वन नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर और नंबर फाइव मैं यहाँ लिख लेता हूँ। तो नंबर फाइव में हमारा रहा y बराबर sec x, देन dy by dx इज इक्वल टू होता है sec x इंटू tan x, क्या होता है? sec x इंटू tan x, राइटिंग समझ आ रहा है? चलिए संदर्भ जवाब, अच्छा इस बात का मतलब ये हुआ d sec x by dx is equal to sec x into tan x होता है, tan x होता है। कोई डाउट है? इतना सा भी डाउट है कमेंट करो ना। अब लास्ट रह गया, कौन सा लग गया? लास्ट रह गया, तो अब याद करने का पहले अचूक मंत्र दे दूं फिर लास्ट बताता हूं, क्या गजब। चलिए आगे, अचूक मंत्र क्या है? तो अचूक मंत्र ये है, सुनिएगा ध्यान से दोस्त, अगर आपको जब कभी भी सी दिखाई दे, क्या दिखाई दे? सी दिखाई दे, तो क्या लगा देना है? माइनस लगा देना है। हो गया यार, फिर से सी दिखाई दे और उसका डीवाई बाई डी एक्स निकालना, ट्रिगोनोमेट्रिक में ऐसे निकाल तो फालतू, जब जहां बनता नहीं, त्रिकोणमिति में जहां कहीं भी सी दिखाई दे तो उसका अवकलन में हमेशा निगेटिव साइन होगा, याद रहेगा, हमेशा निगेटिव साइन होगा। ओके, इट इज क्लियर? चलिए पांच उतार लीजिए, अब हम लास्ट लिखने वाले हैं, लिख लेते हैं दोस्त सिक्स। सिक्स नंबर में हमारा है y बराबर cos x, देन अब सोचिए ना, cos x c से स्टार्ट हुआ है ना, तो क्या आएगा? माइनस तो पक्का आएगा, इसलिए dy by dx is equal to होता है माइनस cos x into cot x। इस बात का मतलब ये हुआ d cos x by dx is equal to होता है माइनस cos x into cot x। मुख्य रूप से आपको ये याद रखना है। तो इस प्रकार से हमने छह प्रकार से, देखिए आपको ये सब नहीं याद रखना है, मैंने नॉलेज के लिए बताया है, मुख्य रूप से आपको ये सब याद रखना है। तो एक बार मैं सिखा देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ, फिर आगे की ओर क्वेश्चन करना सीखेंगे, तो गजब की तरीके मतलब बताने वाला हूँ, सुनिएगा ध्यान से।
दोस्त अभी अभी हमने देखा कि साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स होता है, फिर कॉस का माइनस साइन, टैन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का माइनस कॉस सेक स्क्वायर एक्स, सी आया तो नेगेटिव लगा रहा है। अच्छा sec x का अवकलन sec x into tan x, अच्छा cosec x का माइनस cosec x into cot x, क्योंकि पहले क्या आया है सी आया, इसलिए क्या लगेगा माइनस लगेगा। तो मैं हटा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अब हम इसके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, फटाफट इसको उतार लीजिए। ओके दोस्त, अब हम बात करते हैं इस पर आधारित कुछ एग्जांपल्स की, क्योंकि कोई भी फॉर्मूला पढ़ लिया जाता है तो उसका एग्जांपल जब तक नहीं बनाते हैं मजा नहीं आता है ना। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इसका एग्जांपल। तो आइए अब हम कुछ एग्जांपल स्टार्ट करेंगे। तो लिखिए स्टार देकर, इफ वाई इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, देन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू व्हाट। ये हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, देन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू व्हाट, ये हमें करना है क्या। तो सिंपल काम है, बहुत इजी है, सुनिएगा ध्यान से सब इसका सॉल्यूशन। सबसे पहला काम कि डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो पहला काम तो दोस्त आप जितना दिया है क्वेश्चन में वो लिख लेना है, एक एक चीज पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि बार बार कहते हैं ऐसा कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पढ़ाया नहीं सिखाया जाता है। तो सुनिएगा ध्यान से दोस्त, y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये हमने लिख दिया, मतलब कि जो दिया रहेगा उसको आपको एकदम एज इट इज उतार लेना है, इसमें तो कोई संदेह नहीं होगा। अच्छा इसके बाद हम एक वर्ड लिखेंगे, आपको पता ही होगा डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये लिखेंगे, इट इज क्लियर। ओके नाउ आपको ये भी पता है कि अब हम इसको dy by dx लिखेंगे, ये वर्ड लिखने के बाद ये भी क्लियर है। अच्छा ऐसे में अभी अभी हमने ये बताया आपको दोस्त कि sin x का अवकलन क्या होता है, क्या बताया, बहुत शानदार जवाब, पर फिर भी एक बार मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, by dx plus d cos x by dx, क्योंकि मैंने आपको समझाया था ना कि अगर y बराबर sin x हो तो ऐसे लिखते हैं, तो लिख दिया, सिंपल है। इसलिए फाइनल लाइन रहा आपका dy by dx is equal to, इसका क्या होता है, हाँ कितना अच्छा उत्तर दिए, cos x। अच्छा cos का क्या होता है, क्या होता है, हाँ बहुत अच्छा, माइनस sin x, और ये रहा फाइनल जवाब। कोई डाउट हो कमेंट कर देना है, नेक्स्ट वीडियो में पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चलिए इतना तब तक उतारिए और एक क्वेश्चन देख लिया जाए, फिर और कुछ आगे सीखेंगे, बट अभी क्वेश्चन और एक देखा जाए, ठीक है। चलिए इसको और कुछ एग्जांपल्स देख लिया जाए, जैसे y बराबर tan x प्लस sin x, देन dy by dx इज इक्वल टू व्हाट, ये हमें करना है। तो इसका रहा सॉल्यूशन, ध्यान से सुनिएगा दोस्त, सिंपल सी बात है एक जो मैं कह रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। पहला काम क्या करेंगे, हाँ जो दिया है वो लिख लेंगे। तो पहला काम हमने जो दिया है उसे एज इट इज उधार लिया, फिर दूसरा वर्ड हमें काम करना है कि ये लिखना है डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स के सापेक्ष में वाई के अवकलन को हम डीवाई बाई डी एक्स से डिनोट करते हैं, क्लियर है बात। ओके नाउ ये हमारा हो जाएगा डी टेन एक्स बाई डी एक्स, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में किसी भी फंक्शन के डिफरेंशिएट को इस रूप में डिनोट करते हैं, इट इज क्लियर। ओके नाउ प्लस है तो प्लस, फिर डी ये रहा हमारा साइन एक्स प्लस डी एक्स। कल का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगा, मैं बता दूं आपको अभी ही, इसलिए फाइनल लाइन रहा दोस्त डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, तो ये रहा आपका फाइनल जवाब। तो दोस्त मैं बता दूं इसी तरीके के क्वेश्चन त्रिकोणमितीय से संबंधित पूछे जाते हैं, अभी तो देखने में इजी लग रहे हैं, बट हम कल से दोस्त मैं आपको बता दूं कल से हम स्टार्ट करेंगे आपको प्रॉपर्टीज ऑफ डेरिवेटिव यानी अवकलन के गुण, अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हों तो सुनिएगा, अवकलन के गुण और प्रॉपर्टीज ऑफ डेरिवेटिव हम कल से स्टार्ट करेंगे।
और वो प्रॉपर्टी ऑफ डेरिवेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए कल का वीडियो देखना गलती से भी भूलिएगा नहीं, ठीक है। तो आज के लिए बस हम इतना ही करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि सबको पढ़ना जरूरी है। और बता दो दोस्त, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक ले जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।